ओम जय श्री कृष्ण। मैं हरे राम सिंह अपने आज इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूँ कि शरीर को रोग मुक्त कैसे रखा जाए। देखिए, शरीर को तो रोग मुक्त सभी लोग रखना चाहते हैं, नहीं तो उस डायरेक्शन में कम से कम प्रयास तो किया ही जा सकता है। तो उसको कैसे प्रयास किया जाए? तो शरीर नॉर्मली दो प्रकार का होता है, एक अल्कलाइन नेचर का शरीर होता है, एक एसिडिक टाइप का शरीर होता है। अब एसिडिक टाइप का शरीर और अल्कलाइन नेचर का, दोनों के बीच का एक पॉइंट होता है, वो होता है न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट का मतलब कि 7 पीएच जिसका होता है वो न्यूट्रल पॉइंट होता है। अब 7 के नीचे जो भी स्केल जाएगा, 6 pH, 5 pH, 4 pH, 3 pH, या जो भी आएगा, तो वो एसिडिक नेचर में चला जाता है, बॉडी एसिडिक नेचर में चला जाता है। और 7 के ऊपर जो भी जाता है, 7.2, 8, 8.2, 9, 13, 14, जो भी होता है 7 के ऊपर, वो अल्कलाइन नेचर में चला जाता है। अब 7 के नीचे जो जाता है एसिडिक नेचर में चला जाता है, 7 के ऊपर जो जाता है वो पीएच जो है अल्कलाइन नेचर में चला जाता है। आयुर्वेद में कहा गया है कि अगर हम रोग मुक्त शरीर को रख सकते हैं, अगर हम वात पित्त और कफ को बैलेंस कर लें, तो हमारा जीवन, हमारा शरीर रोग मुक्त हो सकता है। अब वात क्या है? वात मतलब गैस्ट्रिक। अब गैस्ट्रिक से कौन रोग होते हैं? नॉर्मली गैस्ट्रिक से जो रोग होता है, गठिया होता है, अर्थराइटिस होता है, जोड़ों का दर्द होता है, घुटने का दर्द होता है, ये सब गैस्ट्रिक टाइप के होते हैं। जहाँ भी दर्द होगा, जहाँ शरीर में गैस्ट्रिक सिचुएशन बनेगा, वहाँ पर एसिडिटी बनेगा, गैस्ट्रिक सिचुएशन बनेगा, वो वात होता है। फिर पित्त क्या है? पित्त मतलब एसिडिटी। एसिडिटी जब एसिडिक नेचर में चला जाएगा, तब वो एसिडिटी बनता है। एसिडिटी क्या है? पित्त, पेट दर्द, सीने में दर्द, कब्ज, एसिडिटी, पाचन की समस्या, मल मूत्र और आँख का आना, ये सब पीला पड़ने लगता है, तब एक चीज होता है, एसिडिक होता है। तो एक वात होता है, एक पित्त होता है, और एक कफ होता है। कफ मतलब सर्दी, खांसी, जुकाम, बलगम, छाती में जो कफ जम जाता है, एक कफ होता है। तो अगर तीनों की समस्या को हम कोई चीज़ ऐसी मिल जाए, वात पित्त और कफ तीनों को अगर बैलेंस रख लें, तो आयुर्वेद के अनुसार हम शरीर रोग मुक्त हो सकता है। अब तीनों को एक साथ रखने के लिए क्या करना है? तीनों को बैलेंस रखने के लिए हमको एक चीज़ अगर करें, तो हम संभवतः ये तीनों ये समस्याओं से निजात पा सकते हैं। मैंने एसिडिक समस्या, अल्कलाइन नेचर, दोनों का बैलेंस मेंटेन करने के लिए, और बेसिकली अल्कलाइन नेचर में जाने के लिए हमको गुड़ खाने की आवश्यकता पड़ेगी। गुड़ खाएंगे तो हमारा शरीर जो है स्लाइटली अल्कलाइन नेचर में चला जाता है। और कहा जाता है कि अगर शरीर एसिडिक नेचर में रहेगा तो रोग मुक्त बहुत ज़्यादा हो, रोग से बहुत ज़्यादा ग्रसित हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा अल्कलाइन नेचर में अगर शरीर रहेगा, तो हमारा शरीर रोग मुक्त नॉर्मली हो जाता है। अगर एसिडिक नेचर में गया तो रोग ग्रसित हो जाएगा, और अल्कलाइन नेचर में जाएगा तो हमारा जो है शरीर रोग मुक्त हो जाएगा। तो अल्कलाइन नेचर में हमको शरीर को रखना बड़ी अति आवश्यक है। तो अगर गुड़ का सेवन करें तो हम ये सभी समस्याओं से, वात पित्त और कफ तीनों समस्याओं से हल पा सकते हैं। मतलब अगर गुड़ खाना अगर चालू करें, चीनी को अवॉइड करें। लेकिन एक और समस्या है, बहुत सारे लोग चीनी की समस्या से, शुगर की समस्या से ग्रसित रहते हैं, तो उनके लिए गुड़ जो है, गुड़ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, तो उनके लिए गुड़ कैसे खा सकते हैं? वात पित्त कफ को संतुलित करने के लिए गुड़ खाना अति आवश्यक है।
और उसे पाचन की भी समस्या हल हो जाती है। तो गुड़ खाने के लिए हम शुगर वाले पेशेंट कैसे उसको यूज कर सकते हैं। अब शुगर वाले पेशेंट को यूज करने के लिए गुड़ में सौंठ मिलाना चाहिए, माने अदरक का मिक्सचर मिलाना चाहिए। अब गुड़ और सौंठ का अगर मिक्सचर मिला लें तो शुगर वाले पेशेंट भी उसको खा सकते हैं। इस प्रकार अगर हम शुगर की भी हमें समस्या हल हो सकती है और वात पित्त कफ तीनों से रोग मुक्ति के लिए, तीनों से मुक्ति के लिए हमको खाना पड़ेगा गुड़ खाना पड़ेगा, गुड़ का सेवन करना पड़ेगा। गुड़ का सेवन के बराबर गुड़ ही नहीं खाना है, सही समय में गुड़ उचित समय में खाते रहिए। ऐसा गुड़ करने से फिर हमको वात पित्त कफ से हम समस्या हो जाएंगे। और का वात पित्त कफ समस्या, आप जैसा जानते हैं कि आयुर्वेद के अनुसार वात पित्त कफ को संतुलित करने से यानी अल्कलाइन नेचर में जाने से, गुड़ खाने से आपको जो है ये समस्याएं रोग मुक्त हो सकते हैं। लेकिन वही गुड़ और सौंठ मिलाने से, अदरक का मिक्सचर मिलाने से, अदरक का पाउडर मिलाने से उसका ग्लाइसमिक इंडेक्स कम हो जाता है। यानी गुड़ और सौंठ मिलाने से, गुड़ अदरक का पाउडर मिलाने से उसका ग्लाइसमिक इंडेक्स कम हो जाता है। जब उसका ग्लाइसमिक इंडेक्स कम हो जाएगा तब हम जा करके उस गुड़ को खा सकते हैं, शुगर वाले पेशेंट वाले भी खा सकते हैं। इस प्रकार अगर ऐसा हम अपने को बैलेंस करें, गुड़ को थोड़ा सेवन अगर बढ़ा दें तो हम वात पित्त कफ तीनों से हमारी समस्या का निजात मिल सकता है। और इस प्रकार मैं आप लोगों से अब अनुभव शेयर करना चाहता हूँ इसी चीज़ को कि ऐसा करने से ये नॉर्मली ऐसा रोग मुक्त हो जाता है शरीर। इसको साथ में अभी आप लोगों से आग्रह करूँगा कि कृपया आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।